नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं रमा हॉस्पिटल लरोली आजमगढ़, इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। गोमती ग्रामीण निधि बैंक, रोजगार पाने का सुनहरा अवसर, रिक्त पदों के लिए बम्पर वैकेंसी। काशी इलेक्ट्रिक भवनाथ आजमगढ़, त्योहारों पर 1 अगस्त से 26 अक्टूबर तक ई स्कूटी की खरीद पर पाएं निश्चित उपहार। सर्वोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी नियर आरटीओ ऑफिस हरबंसपुर आजमगढ़ एडमिशन ओपन। वुडन टच भवनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर और होटल पार्क ग्रीन सिधारी आजमगढ़। दुर्गा पूजा और विजयदशमी के पर्व ने पूरे जनपद को भक्ति के रंग से सराबोर कर दिया है। अस्थाई मंदिर माँ की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। इस बार नगर में स्थापित किए गए पंडालों, प्रतिमाओं और साज सजावटों में काफी कुछ खास है। केदारनाथ के द्वार से लेकर झूला झूलती माँ के दर्शन भक्त कर रहे हैं। दुर्गा पूजा और विजयदशमी के पर्व पर दुधिया व रंगीन प्रकाश से शहर इस कदर रोशन हो चुका है मानो लग रहा है तारे जमीन पर उतर आए हों। आकाश में छाने वाले इंद्रधनुष को लगता है पूजा समितियों ने बांस बल्लियों के सहारे धरती से कुछ ही ऊपर टांग दिया हो, और ऐसे में विद्युत जब लहरों के रूप में तैरने लग रही है तो मन भी जुगनुओं की तरह चमक उठ रहा है। बाहरी कलाकारों व विदेशी कलाकार झालरों ने पर्व को अपनी आगोश में लेते हुए चारों ओर उजाला ही उजाला बिखेर दिया है। भक्तों की लगी है कतार भवानी, भक्तों की लगी है कतार भवानी, बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। सजावट के बाद आइए रुक करते हैं पंडालों की तरफ। नगर में कहां कहां और कैसी कैसी प्रतिमाएं स्थापित की गई, आइए उनकी भी झलकियां देख लेते हैं।
तेरे भक्तों की लगी है कतार भवानी, भक्तों की लगी है कतार भवानी। बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। नवरात्र व विजयदशमी को लेकर शहर में जगह जगह मूर्ति पंडालों की स्थापना की गई। पिछले दिनों भदोही और कानपुर में हुए हादसों से सबक लेते हुए पुलिस प्रशासन आजमगढ़ में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कोई भी कोताही नहीं करना चाहता है और इसको लेकर लगातार मूर्ति कमेटी व रामलीला समिति को सचेत किया जा रहा है। इसी क्रम में नवमी के अवसर पर मंगलवार को दिन में अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल व अपर पुलिस अधीक्षक यातायात सुधीर जायसवाल ने फोर्स के साथ आजमगढ़ शहर के तमाम इलाकों में पहुंचकर स्थापित मूर्ति पंडालों की जांच की और वहां के सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आगाह किया। वहीं शहर में उमड़ने वाली भीड़ को लेकर भी ट्रैफिक व्यवस्था को भी सुचारू रूप से सुदृढ़ किया गया। जगह जगह पुलिस की तैनाती की गई। वाहनों की पार्किंग कहां होनी है, वाहन किधर से होकर जाएंगे, ये सब रूट निर्धारित कर दिया गया। वाहनों को पार्किंग के लिए अलग अलग स्थान निर्धारित किए गए। इसी क्रम में SDM सदर व अग्निशमन अधिकारी के नेतृत्व में भी टीम निकली। SDM सदर ने बताया कि भदोही की घटना के बाद जिलाधिकारी और शासन द्वारा निर्देश दिया गया कि जो भी व्यवस्थापक हैं उनको एजुकेट किया जाए, बताया जाए कि किस तरह से कार्रवाई करें कि कोई अप्रिय घटना ना घटे। इसी क्रम में यहां पूजा पंडाल में आया हूं। इनको बताया गया कि अग्निशमन यंत्र रखने हैं, बालू भी रखें और आने जाने वाले रास्तों को क्लियर रखें। त्यौहार को मद्देनजर रखते हुए ट्रैफिक को व्यवस्थित किया गया जो कि महिला और बच्चों को बाजार में जाने में दिक्कत ना आए। इसके अलावा जो हमारे पंडाल लगे हुए हैं पंडाल में सुरक्षा व्यवस्था आग से बचने के लिए उनको भी चेक किया गया। सभी जगह पानी की पर्याप्त व्यवस्था करी गई है, सैंड रखा गया है, बालू रखी गई है और साथ में फायर एक्सटिंग्विशर रखे गए हैं। ट्रैफिक में सर क्या है? ट्रैफिक में सारी व्यवस्थित किया गया है। आसपास जो गाड़ियां खड़ी हुई हैं जो कि महिलाओं और बच्चों को आवागमन में बाजार में किसी तरह की परेशानी ना आए। इसके अलावा आधा दर्जन पुलिस वालों के भी चालान काटे गए हैं जो ट्रैफिक का उल्लंघन करते हुए पाए गए हैं। समाजवादी पार्टी के संस्थापक व संरक्षक पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना के साथ समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों समेत अन्य लोगों ने आजमगढ़ शहर के रैदोपुर स्थित दुर्गा मंदिर में नवमी के अवसर पर हवन पूजन कर मां दुर्गा देवी से उनकी लंबी उम्र की कामना की। मुलायम सिंह यादव की तबीयत ज्यादा खराब होने की सूचना के बाद से समाजवादी पार्टी के गढ़ आजमगढ़ में पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ आमजन में भी उनके स्वास्थ्य के प्रति चिंता है। नेताजी इटावा को दिल तो आजमगढ़ को धड़कन मानते थे और ये बात उन्होंने सार्वजनिक रूप से भी कही थी। समाजवादी पार्टी के गढ़ में आजमगढ़ प्रमुख हैं और यहां लाखों कार्यकर्ता मुलायम सिंह यादव के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना इस नवरात्रि के पावन पर्व पर कर रहे हैं। आजमगढ़ समाजवादी पार्टी के निवर्तमान प्रवक्ता अशोक यादव ने बताया कि जब से मुलायम सिंह यादव जी के क्रिटिकल होने की सूचना मिली है तभी से उनके स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। और चूंकि आप लोग देख रहे हो कई दिनों से नेताजी की तबीयत काफी क्रिटिकल है और पूरे देश में उनके लिए पूजा प्रार्थना नमाज हर धर्म के लोग उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं ताकि नेताजी जल्द से जल्द स्वस्थ हों। और इसी क्रम में क्योंकि हमारी पत्नी धर्मपत्नी अंजलि यादव जी ये भी इटावा की रहने वाली हैं तो इन्होंने भी हमें कहा कि नेताजी के लिए चलिए हम लोग भी पूजा पाठ करते हैं। तो आज सुबह जो है हम बकायदे जो है व्रत के साथ जो है हम लोग यहाँ दुर्गा जी के मंदिर में नेताजी के स्वास्थ्य के लिए यहाँ पे हवन पूजन का कार्यक्रम रखा गया। हमारे तमाम साथी मोहन पांडे जी हैं, भैया हैं और तमाम साथी और विथ फैमिली हम लोग जो है यहाँ नेताजी के लिए भगवान से देवी माँ से नवरात्र के पवित्र महीने में माँ देवी से हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, कामना कर रहे हैं कि नेताजी जल्द से जल्द स्वस्थ हों, यही हमारी कामना है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए हुए। लेकिन पूरे देश में अगर शहीद सैनिकों को राजकीय सम्मान देने का काम किसी ने किया है, शोषितों को, पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को उनके अधिकार देने का काम किसी ने किया है तो माननीय नेताजी ने किया है और उनकी समाजवादी सोच ने किया है। तो हम लोग चाहते हैं कि नेताजी सही हो जाए, ठीक हो जाए और हमेशा हम लोगों के साथ उनका आशीर्वाद बना रहे और उनका संरक्षण प्राप्त हो रहे। इसीलिए हम लोग यहाँ पे पूजा याचना की।
राष्ट्रीय युवा काउंसिल के 14वें स्थापना दिवस पर मानवता की मिसाल पेश करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं ने रक्तदान कर व एक दूसरे को मिठाई खिलाकर धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर पार्टी की ओर से रशाद नगर में रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें लगभग 50 कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। रक्तदान शिविर का उद्घाटन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर अनिल सिंह ने रक्तदान कर किया। उन्होंने कहा कि उलमा काउंसिल का उदय ही मानव सेवा के लिए हुआ है। इसी मकसद के तहत काउंसिल आज देश प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर अपना स्थापना दिवस कोई न कोई ऐसा कार्य करके मना रही है, जिससे कि मानव जाति को फायदा पहुंच सके। पार्टी प्रवक्ता एडवोकेट तलहा रशादी ने कहा कि पार्टी के स्थापना दिवस पर पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा रक्तदान किए जाने का फैसला पार्टी की असल विचारधारा और जनसेवा की भावना को दर्शाता है। रक्तदान महादान होता है और आज एक बार फिर जनहित में काउंसिल कार्यकर्ताओं ने रक्तदान कर इस भरोसे को कायम रखा है कि जनहित और समाज हित में उलमा काउंसिल हमेशा बलिदान देती रही है और देती रहेगी। ये खून किसी मजबूर की जान बचाने के काम आएगा। जिलाध्यक्ष नुमान अहमद ने इस अवसर पे भी सभी रक्तदाताओं को पार्टी की तरफ से प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। सभी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं को स्थापना दिवस की बधाई दी और उपस्थित लोगों में मिठाई बांटकर खुशियां मनाई। इस मौके पर यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष नूरुल हुदा, मास्टर तारिक, मनीराम गौतम, शेख मुतियुल्ला, मिराज खान, अफसार अहमद, शहबाज, फैज अहमद आदि उपस्थित थे। देखिए, आज राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का 14वां स्थापना दिवस है और राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का जो क़याम था वो सिर्फ इसलिए था कि मानव सेवा, जन सेवा, लोगों के काम आना, गरीबों, मजलूमों, शोषितों और पीड़ितों के काम आना। तो इस स्थापना दिवस पे भी हम लोगों ने ये तय किया कि रक्तदान किया जाए, रक्तदान शिविर लगाया जाए, क्योंकि रक्तदान से बड़ा बलिदान और उससे बड़ा दान कोई नहीं होता। आपका एक खून की बूंद किसी की जान बचाने के काम आ सकती है और सबसे अच्छी बात कि कोई अनजान हो सकता है। तो इसीलिए हम लोगों ने एक ये ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के स्थापना दिवस पर। अब तक तकरीबन 25 लोगों ने खून दे दिया है और हम लोगों का इरादा है कि कम से कम हम लोग 100 का आंकड़ा तो पार करेंगे। और अभी जिस हिसाब से लोगों में जोश दिख रहा है, रुझान, अभी आधा एक घंटा हुआ कैंप को शुरू हुए और तकरीबन 25 लोग अब तक दे चुके हैं, तो हमें लगता है कि हम 100 के ऊपर जाएंगे। चलता रहेगा और इसके पहले भी आप करते आए? जी, लगातार ये हर बार हम लोगों की कोशिश रहती है कि कुछ नया करें, कुछ लोगों की सहायता करें। इससे पहले भी हम लोगों ने स्थापना दिवस पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाया था, उसके बाद बाढ़ पीड़ित थे, इस तरह के वो थे, तो उसमें हम लोगों ने मदद की। तो इस तरह के जो जो भी जनसेवा का कार्य होता है वो उस तरह के कार्य किए जाते हैं स्थापना दिवस पर। मंगलवार को महानवमी का उत्साह समूचे जनपद में दिखाई दिया। देवी भक्तों ने व्रत धारण करते हुए देवी के 9वें स्वरूप की आराधना की। देवी मंदिरों में अपनी हाजिरी लगाते हुए विधि विधान पूर्वक माता की पूजा अर्चना की। 9 दिनों तक व्रत रखे भक्तों ने घरों मंदिरों में हवन पूजन कराया। गौरतलब है कि हिंदू धर्म और हमारे शास्त्रों में नवरात्रि का विशेष महत्व है और माँ के भक्तों को बड़ी शिद्दत के साथ नवरात्रि का इंतजार रहता है। वैसे तो साल में 4 बार नवरात्रि पर्व आती है, जिनमें 2 गुप्त नवरात्रि और 2 प्रत्यक्ष नवरात्रि होती है, लेकिन शारदीय नवरात्रि की हमारे शास्त्रों में विशेष महत्ता बताई गई। 9 दिनों के दौरान देवी दुर्गा के अलग अलग 9 रूपों की पूजा की जाती है। शारदीय नवरात्रि के दौरान महाअष्टमी के साथ साथ महानवमी तिथि का विशेष महत्व माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को महानवमी कहा जाता है और महानवमी को माँ दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की आराधना की जाती है। इस बार महानवमी की तिथि 3 अक्टूबर को शाम 8:07 से शुरू हुई और 4 अक्टूबर को शाम 6:52 पर समाप्त हुई। महानवमी को माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है और ऐसा माना जाता है कि जो भी भक्त पूरे श्रद्धा भाव से देवी दुर्गा के स्वरूप की उपासना करता है वो सारी सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। हिंदू धर्म में माँ सिद्धिदात्री को भय और रोग से मुक्त करने वाली देवी के रूप में जाना जाता है। माना जाता है कि माँ सिद्धिदात्री की कृपा जिस व्यक्ति पर होती है उसको सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। प्रचलित कथा है कि एक महिषासुर नाम का राक्षस था, जिसने चारों तरफ हाहाकार मचा रखा था। उसके भय से सभी देवता परेशान थे। उसके वध के लिए देवी आदिशक्ति ने दुर्गा का रूप धारण किया और 8 दिनों तक महिषासुर राक्षस से युद्ध करने के बाद 9वें दिन उसको मार गिराया। जिस दिन माँ ने इस अत्याचारी राक्षस का वध किया उस दिन को महानवमी के नाम से जाना जाने लगा। महानवमी के दिन महास्नान और षोडशोपचार पूजा करने का रिवाज है। नवमी के दिन हवन करना जरूरी माना जाता है क्योंकि इस दिन नवरात्रि का समापन हो जाता है, माँ की विदाई कर दी जाती है। आजमगढ़ पुलिस ने लूट के
आरोपी गणेश पुत्र वीर बहादुर साकिन चकमिया थाना सरायमीर को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। चार दिन पहले निजामाबाद इलाके ने आरोपी ने 30,000 की लूट की थी। इस मामले में पीड़ित अबसार अहमद ने निजामाबाद थाने में मुकदमा दर्ज किया था। इसके बाद एसपी अनुराग आर्य ने पुलिस टीम लगाई थी। फरिया चौकी के पुलिस ने फरार चौथे अभियुक्त की घेराबंदी की। पुलिस द्वारा चेतावनी के बाद भी आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस द्वारा की गई कंट्रोल फायरिंग में आरोपी के दाहिने पैर में गोली लगी। घायल बदमाश को इलाज के लिए भेज दिया गया। अभियुक्त के कब्जे से तमंचा और लूट के लगभग 5,000 रुपए भी बरामद हुए। आरोपी पर 5 मुकदमे दर्ज हैं। गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि अपने साथियों ने गंभीरपुर सरायमीर सेंटरवा इलाके से मोबाइल और रुपए की लूट की थी। जो पैसा मिलता है उसे आपस में बांट लिया जाता है। इससे पहले भी सेंटरवा के पास एक व्यक्ति से मोबाइल और 10,000 से अधिक की छिनाती हुई थी। लगभग 7:30 बजे निजामाबाद पुलिस व बदमाश के बीच में गंधवी कोल्ड स्टोरेज के पास मुठभेड़ हुई है, जिसमें गणेश नाम का अपराधी जो थाना सरायमीर का रहने वाला है घायल हुआ है। यह अपराधी लूट छिनैती व नकबजनी के 5 मामलों में थाना निजामाबाद से वांछित चल रहा था। पुलिस को ये सूचना लगी कि एक अपराधी ने गंधवी कोल्ड स्टोरेज के पास देखा गया है। इस सूचना पर पुलिस के द्वारा एरिया की घेराबंदी करी गई और जब पुलिस टीम एक खंडर के पास पहुंची है तब खंडर की आड़ लेते हुए इस शातिर अपराधी के द्वारा पुलिस टीम के ऊपर फायरिंग प्रारंभ कर दी गई। पुलिस के द्वारा इस आदमी को चेतावनी दी गई और आत्मरक्षात व नियंत्रित फायरिंग करी गई, जिसमें गणेश नाम के इस अपराधी के पैर में गोली लगी है व इसको उपचार हेतु जिला चिकित्सालय भेज दिया गया है। पुलिस टीम को इस अच्छे कार्य के लिए पुरस्कृत करने हेतु संस्तुति की जा रही है। मैं डॉक्टर मनीष त्रिपाठी अपने देशवासियों को दशहरे और दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। यह पर्व हम बुराई पर अच्छाई की जीत की खुशी में मनाते हैं। आज हम अपनी छोटी छोटी लापरवाही के कारण आने वाली पीढ़ी को कैंसर जैसी बड़ी बीमारी दे रहे हैं। इसलिए आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करें, प्लास्टिक का उपयोग न करें और बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। पुनः अपने देशवासियों को मेरे अस्पताल विजय सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर अंशुमान राय डर्मेटोलॉजिस्ट हूं, स्किन स्पेशलिस्ट, और इस दशहरे और दिवाली के शुभ अवसर पर समस्त जनपदवासियों को और अपने IMA के समस्त डॉक्टरों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और मौसम के बदलाव को देखते हुए सारे लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, मेले में भीड़ भाड़ से बचते हुए अपना मास्क लगाएं और सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहें। क्योंकि मौसम बदल रहा है, गर्मी के मौसम से ठंडक का मौसम धीरे धीरे आ रहा है, तो ऐसे में अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। पुनः सभी जनपदवासियों को दशहरे और दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएँ। सभी लोग स्वस्थ रहें। हाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ नवरात्रि की सारे नगरवासियों, देशवासियों को, सबको, सारी जीवात्मा को ये शुभकामना देता हूँ। दशहरा है, ये नवरात्रि का पर्व है, दशहरा इसलिए मनाया जाता है। अच्छाइयाँ जो हैं बुराइयों पर जीते, और रावण जो बुराई का प्रतीक है उसको लोग अपने मन से बाहर निकालें, समाज से बाहर निकालें, और उसी ये खुशहाली का पर्व है कि बुराई पर अच्छाई की जीत का हम संदेश देना चाहते हैं कि देश के लिए, समाज के लिए, अपने लिए, लोगों के लिए, प्लीज़ थोड़े थोड़े स्वार्थ की त्याग करके देश समाज के लोग सीखें, और आइए सब लोग खुशहाल रहें, सब निशाली रहें, सुखी रहें। कोई दूसरे शब्दों में कहा जाए, कोई पस्ताहाल न रहे, भूखा न रहे, कोई बीमार न रहे। समाजवादी पार्टी की तरफ से जनपद वासियों को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामना, और हम उम्मीद करेंगे सभी लोग मिल करके दशहरा उल्लासपूर्वक मनाएंगे। मैं पूरी आजमगढ़ जनपद वासियों को दशहरा की शुभकामना देना चाहती हूँ। दशहरा का ये अवसर आपके घर में सुख समृद्धि लाए। आप इस अवसर पे अपने बच्चों और अपने परिवार में सुखी रहें, हमेशा आगे बढ़ती रहें, यही शुभकामना है। और शांति और उल्लास से अपने त्यौहार को इस मनाएं। पुनः सभी जनपद वासियों को मैं दशहरे की हार्दिक शुभकामना देती हूँ। दशहरे के ऊपर तो हम सभी जनपद वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएँ देना चाहते हैं। दशहरे का त्यौहार शांति सुख का त्यौहार है। सभी जनपदवासियों से अपील है कि इसको शांतिपूर्वक मनाएं, आपसी भाईचारा बनाए रखें, सत्य पे सत्य की विजय है। और यही चाहते हैं कि जो है
हमारे सभी लोग जो है सत्य के रास्ते पर चले आगे। पुनः मैं सभी जनपद वासियों को दोबारा से हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। राजेंद्र प्रसाद, निर्दल प्रत्याशी, नगर पालिका परिषद आजमगढ़। दशहरे के शुभ अवसर पर नगर वासियों को हार्दिक बधाई दिल से देता। पूर्वांचल किसान रमा हॉस्पिटल नरोली आजमगढ़ में डॉक्टर अमित सिंह, डॉक्टर खुशबू सिंह, डॉक्टर पंकज शर्मा, डॉक्टर धीरज सिंह, डॉक्टर अंकुर यादव, डॉक्टर शिवा मदान, डॉक्टर धीरज पाटिल, डॉक्टर इर्तिका अली, डॉक्टर तौहीद अहमद और डॉक्टर फराज हनफी दे रहे हैं अपनी सेवाएं। ICU, ICCU, वेंटिलेटर, ब्लड बैंक, कैथ लैब, पैथोलॉजी एवं डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध। इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर नरोली आजमगढ़। सर्वोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी नियर RTO ऑफिस हरबंशपुर आजमगढ़। आपके अपने आजमगढ़ शहर में ही बस स्टैंड से मात्र 800 मीटर की दूरी पर संचालित पाठ्यक्रम पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, फार्मेसी, डी फार्मा, बी फार्मा। उपलब्ध विशेष सुविधाएं, प्रशिक्षित अध्यापक, अत्याधुनिक लैब, अत्याधुनिक वर्कशॉप, वाईफाई कैंपस, यातायात सुविधा, हॉस्टल सुविधा, कैंपस सिलेक्शन, बोर्ड द्वारा निर्धारित फीस पर प्रवेश, एडमिशन ओपन सीटें सीमित। जल्दी करें। काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की नई सौगात। काशी इलेक्ट्रिक श्री गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज भवरनाथ के सामने इलेक्ट्रिक स्कूटी का भव्य शोरूम। पेट्रोल का खर्चा जाइए भूल, तय करिए कम बजट में पोल्यूशन फ्री लंबा सफर। देश में इलेक्ट्रिक स्कूटी की सबसे अनुभवी कंपनी हरियाणा की विनिंग फ्यूल्स मोबिलिटी की स्कूटी में मिलेगा आपको लो स्पीड, हाई स्पीड स्कूटी, सुपर कंफर्ट, सस्टेनेबल सीट के साथ अच्छी लाइटिंग फीचर्स। सुनहरा अवसर खरीदें ये स्कूटी और पाएं निश्चित उपहार। स्कूटी की अपार सफलता के बाद इलेक्ट्रिक बाइक। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, क्लच डोर, डिजाइनर डोर, PVC डोर, फोर माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए चार चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़। स्वच्छ और आरामदायक AC एंड नॉन AC रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल। आपकी खुशियों में लगाए चार चांद। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़।